मेरा नाम सुनील कुमार डवास, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिमनपुरा कॉलेज में भी जाट समुदाय से आता हूँ। जो सापरा में भ्रांति फैला रखे हैं कि मनीष यादव जी के आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मनीष जी यादव 36 कौम के नेता है, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। जो ये भ्रांति फैला रखे हैं, मनिंद्र कुमार वर्मा अम्बेडकर यूथ फाउंडेशन सापरा अध्यक्ष, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो पार्टियाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन जिस बंदे ने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए और शाहपुरा के विश्वास के लिए जिस बंदे ने काम किया है, 14 साल लगातार संघर्ष किया है, उस बंदे के लिए हम लड़ेंगे। और इस बार भाई मनीष यादव जी को 1 लाख मतों से विजयी बना करके शाहपुरा विधानसभा से हमें विधानसभा में भेजेंगे। नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, मैन शाहपुरा गांव के वार्ड नंबर 35 में। यहाँ पे कुछ नवयुवक हैं जो हमारे को मिले हैं, तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज शाम से ही प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और इनकी जानते हैं क्या रह रहा। राम राम जी। राम राम साहब। का नाम? मेरा नाम राजेश कुमार असवाल। तो अब गड़ा कुंडा एमएलए बना रहे जो एमएलए मनीष भाई को, क्यों? इनकी विशेष क्या है कि ये धरातल से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति, हर बुजुर्गों का जो पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति, तो ये लोगों के इतना दिल में घर कर गए और सहानुभूति इसके पक्ष में बहुत तगड़ी फैली हुई है। तो ऐसी कहीं सहानुभूति आएगी? सहानुभूति क्या, आम जन से है ना ये जुड़ गया, और ऐसे आम जन से जैसे लंपी की बीमारी, कोरोना काल में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है व्यक्तिगत, और मैं समझता हूँ इतना अगर मेहनत करने के बावजूद भी लोग साथ नहीं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे। और मेहनत ज्यादा ही करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा। इस व्यक्तिगत देखे ना तो पूरी 200 विधानसभा मेहनत नहीं की, जबकि हारने के बाद भी ये आदमी वैसे के वैसे जुड़ा हुआ आम जन से, तो फिर यार इतना तो होना ही चाहिए कि, क्योंकि आत्मा से लोग जुड़े हुए। अच्छा, आत्मा से जुड़े हैं? बिल्कुल आत्मा से जुड़ गए। ये भी आत्मा से? मैं तो आत्मा से जुड़ा हूँ इसके काम को देख करके, और मैं तो पिछले साल से ही देख रहा था यार इस आदमी को साथ देना ही चाहिए आपकी, क्योंकि पिछली बार इसको हराने में पूरी कसर नहीं छोड़ी हमने। पिछली बार तो हमने जितना इसको हराने में जो कोशिश की जितनी शायद किसी ने नहीं की। अच्छा। आलोक जी की सहानुभूति थी, लेकिन अब सहानुभूति इधर आ गई। अच्छा, पहल गाला तो इन हरा भगा, बिल्कुल 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 जिताने में लगे थे भी आदमी। मानो जी, नहीं आदमी क्या, पार्टी के साथ रहेंगे हम तो। पिछली बार तो सहानुभूति थी कि भाई ये एक बार इसको दे दें, सभी की थी भावना, मेरी नहीं पूरे आमजन की थी, लेकिन अब वो पूरी आमजन की भावना इधर जुड़ गई। अब इसका पांचवी बार तो हरा कसर कौन छोड़ा, बिल्कुल अब के तो इसका कर्म ऐसे थे, इसने जो काम किया है तो जनता अपने आप ही सहानुभूति मिल गई। काम ऐसा किया इसने, ओलंपिक वो जो लंपी आई थी, लंपी में आपको और हमको पता है गौ माता की सेवाएं दी इसने, और बुजुर्गों का तो सम्मान किया। अभी पूरी विधानसभा में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में इसका नाम चल रहा है कि ये जो सीनियर सिटीजन सम्मान समारोह किया, ये बहुत बड़ी थी। मैं मान लो बोल को तो सम्मान कर दिया, वोट दिला, पर गाय वोट कुंदे नहीं। गौ माता तो बेचारी बोलती नहीं, जानती नहीं, और उसकी जो वोट भी कुंदे बाबा जी नहीं, वोट नहीं दे, उसकी दुआएं उसके साथ है, और दुआएं जिसको मिलती है, देखो सहानुभूति में तो दुआएं चलती है, और दुआएं जिसको मिलती है वो जीतता ही जीतता है। तो गाय माता की दुआ कर ली? पक्की दुआ साहब, बहुत तगड़ी कर ली। हाँ बिल्कुल, ये बताओ जी करेली की गाय माता की दुआ काम? बिल्कुल गाय माता की दुआ काम करेगी। मनुष्य सच्चे मन से यदि किसी की सेवा कर रहा है, ब्लड गा ले लो, लंपी की ले लो। मेरा नाम सुनील कुमार डवास, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिमनपुरा कॉलेज में भी जाट समुदाय से आता हूँ। जो सापरा में भ्रांति फैला रखे हैं कि मनीष यादव जी के आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मनीष जी यादव 36 कौम के नेता है, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। जो ये भ्रांति फैला रखे हैं, हम पिछली बार आलोक जी बनीवाल के साथ थे, आलोक जी को वोट दिए थे इसलिए कि बस यहाँ बढ़िया काम होंगे, लेकिन जिले के लिए आलोक जी ने खुद एक दो बार विधानसभा में बोला, यहाँ सीएम साहब ने खुद ये बोला कि आलोक जी ने जिला मांगा नहीं, नहीं तो हम शाहपुरा को जिला बना देते। तो आज आलोक जी की जो कार्यकारिणी है वो टिकट के लिए इस्तीफा दे सकती है, तो उस टाइम में जिले के लिए इस्तीफा देने में इन लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी? भाई आप टिकट के लिए इस्तीफा दी तो जीते में जिले की मांग के लिए इस्तीफा देना चाहिए, जिले की मांग के लिए इनको इस्तीफा देना चाहिए था, फिर वो जनता निर्णय करती कि विधायक जी अपने पक्ष में है या एक सभी की मीटिंग करके राय करके वहाँ जयपुर धरना प्रदर्शन होता, कुछ भी होता, लेकिन इनका कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं इनकी जिले के लिए, और युवाओं को जो आस थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ नहीं। सभी जो सरकारी विभाग ऑफिस हैं उनमें बंदी वाला काम चला है। आलोक जी को जनता ने चुनाव जिताया, और अचानक सविता जी प्रकट हो गई, उनकी वाइफ धर्मपत्नी, वो सारे सिस्टम को खुद के अधीन कर ली, इससे जनता त्रस्त है और जनता इन भ्रष्टाचारियों को उठाना चाहती है और मनीष जी को मौका देना चाहती है इस बार। तो थे भी बता रहे जो कि डब्बा सुन, तो थे भी लाग रहे जो कि बिल्कुल हम मनीष जी के साथ लग रहे हैं, जी जान से लग रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारी बहुमत के साथ मनीष जी अब केवल सापरा विधानसभा जीत के जाएंगे। तो सापरा मनीष जी जीत जा, लेकिन सापरा लगभग आपने देखे जाए तो जातिगत समीकरण बनाओ जाए, जात का हिसाब से जहर गोल मिला जाए, लोग यादव और जाट दो ही वह रह जाए टेम को मायने, तो फिर थे जाट हुए थे यादव की तरफ कहीं आया? ये देखो सभी की अपनी अपनी सोच है, जो समाज के ये कुछ लोग हैं, कुछ मठाधीश है जिनकी दुकानें बंद होने का खतरा है, जातिवादी कुछ नहीं है, जहर घोलने से अब आलोक जी जीतने के बाद में यहाँ से कितने यादवों को भगा दिए,
मनीष जी यहाँ से जीत जाएंगे तो जाटों को क्या परेशान थोड़ी करेंगे, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे। ये सब भ्रांतियां फैलाने वाले कुछ लोग हैं जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, बाकी हमें तो ऐसा लगा नहीं। मनीष जी 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगा नहीं कि मनीष जी जातिवादी है, एक कौम को साथ लेके चलेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल छापरा भयमुक्त हो जाएगा और बढ़िया तरक्की होगा और बढ़िया विकास करवाएंगे। मनीष जी बढ़िया कराओला, बढ़िया विकास करो, जीत रहे भी जाएगा ना आप तो बताओ। नहीं बढ़िया वोटों से जीतेंगे मनीष जी, आपके और संपूर्ण जनता का विश्वास है, साथ है। जैसा रह गए लाग रहे थे, थेर थे कुण के लाग रहे थे भाई जी। मनीष जी का नाम जता को? मेरा मनिंदर कुमार वर्मा, अम्बेडकर यूथ फाउंडेशन छापरा अध्यक्ष। मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो पार्टियां तो आती जाती रहती है, लेकिन जिस बंदे ने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए और छापरा के विश्वास के लिए जिस बंदे ने काम किया है, 14 साल लगातार संघर्ष किया है, उस बंदे के लिए हम लड़ेंगे। और इस बार भाई मनीष यादव जी को 1 लाख मतों से विजयी बना करके छापरा विधानसभा से हमें विधानसभा में भेजेंगे। और ये है कि यहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा है कि जाट वर्सेज यादव, तो ये एक जाति विशेष के नेता नहीं है, ये सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाले नेता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे समाज से और सभी सर्व समाज 36 कौम से कि यहाँ पर जाति को टारगेट नहीं किया जाए। और ये जो मामला फैला रहा है यूपी बिहार वाला, ये भी इसको आप सोच समझ करके कि आपके वोटों का, आपका जो एक कीमती मत है वो सोच समझ करके वोट करें। और ये जो मामला है ये ऐसा नहीं होगा कि जाट वर्सेज यादव का रहेगा। मनीष यादव जी को आप जनता ने ठान लिया है, विश्वास कर लिया है, इस बार छापरा के विकास के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के लिए और जिसने भ्रष्टाचार किया छापरा में उसको हम मुखाड़ फेंकेंगे। और भाई मनीष यादव जी को मेरे वार्ड से, वार्ड नंबर 15 से भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे इस विधानसभा में। अच्छा 15 नंबर से पूरा ही दिवा बोला? जी जी जरूर थे जी। मैं साहब, मैं ओम प्रकाश पलसानिया मजाट हूँ और ऐसी कोई बात नहीं। अग भाई मनीष जी को ये है, अग भाई मनीष जी यादव है और पहले जाट था, ये जाटों की तो भ्रांति वाला काम हो गया। बाकी उनके साथ मनीष जी के साथ पार्टी के साथ चले? हाँ जी, तो पार्टी से भी नहीं, ज्यादातर तो हम तो कार्यकर्ता को देखते हैं साहब। कार्यकर्ता बिल्कुल, ये छोटे वोटों में जैसे चेयरमैन हुआ, वार्ड मेंबर हुआ, विधायक हुआ, ये कार्यकर्ता देखते हैं। कुल मिलाकर काम कर बड़ो, काम करने वाला चाहिए हमारे को। तो पार्टी से कोई मतलब कोई मतलब नहीं। मेरी डाणी है हरदास वाली, उसमें ऐसा किया है इसने, आगे आधे हमारे 2 भाग हैं तो बीच का लाइन न दे करके एक तरफ लाइन दे दी, हमारे विवाद करवा दिया भाइयों में। अच्छा, पानी के लिए आलोक ने, जबकि इसको मैंने बुलाया था वार्ड मेंबरों का जब चुनाव हुआ था चेयरमैन का, उस टाइम में मैंने बुलाया भी था। उस टाइम में इसने कहा आज ही मैं, चलो मैं उसके लिए फोन कर देता हूँ, ये आपके लिए लाइन डलवा देता हूँ। वो लाइन ऐसी डलवा दी ताकि हमारे को पानी नहीं आ रहा है, आज हम बड़े परेशान हैं। पानी भी गुना रहे हो। कई बार इनको ऐसे लगे थे हम जाट सब समाज लग करके इसको जिताया था, ये नहीं तो ये जाटों से ही जीत गया था। यादव नहीं लगे थे और कोई जाति नहीं लगी थी, और कोई जैसे माड़ी खटीक हीर ये वगैरह नहीं लगे थे, अकेले जाटों से कोई नहीं जीता है। एक समाज से तो कोई नहीं, कोई नहीं जीता है। मनीष जी हैं तो मनीष जी वो भी नहीं जीतेंगे, ये सर्व समाज का काम है। मनीष जी क्यों मन में भाए हैं ये क्योंकि सबको, आज भी हमने फोन किया, कल भी इनको फोन किया था, एक जयपुर ऐसी कोई बीमारी हो गई थी उनके लिए, उसको डॉक्टर चेक करने नहीं कर रहे थे उसको, तो देख लो उसको फोन करते ही वहाँ पे डॉक्टर तुरंत उपलब्ध हो गए। अब ऐसे उसका टाइम है, उस टाइम में भी मनीष जी ने वहाँ तुरंत फोन कर दिया, तो यही देखा जाता है, जनसेवा यही देखी जाती है, यही देखी जाती है साहब। अच्छा जी, बस जनसेवा देखता हूँ, जनसेवा देखता हूँ यहीं। और हमारे को तो उससे नहीं है कि ये हीर है, ये जाट है, ये बुनकर है, ये खटीक है, ऐसा नहीं कुछ देखते हैं। हम तो समाज की सेवा करने वाला देखते हैं। अच्छा, जो हमारे समाज में बढ़िया बिल्कुल आज जो बिना जीते हुए यही, आज ये कोरोना में मैंने देखा है, क्योंकि हम गेट से बाहर ऐसे डाणे में रहते हैं तो वहीं से देखते थे रोड पे जो इन गरीब आदमियों को उन्होंने किट बांटा है, वो भी हमने देखा है। देखा बिल्कुल खून के लिए हमारे 1-2 आदमियों को हमने भी दिलवाया। देखो हमारे 16 बोतल यहाँ वो जिंदा है, मनीष जी के दोग दिलाया उस बच्ची को। 16 बोतल किसको कहते हैं? एक दिन वन डेज में 16 बोतल ब्लड की, ब्लड की 16 बोतल में ईमानदारी, वो बच्ची जिंदा है 16 एक दिन में 16, और वो बच्ची जिंदा है अभी भी। जिंदा अभी यार, इसका देखो यार कितना बड़े आत्मा अंदर से करती है यार, ऐसे तो अन्याय करेंगे फिर। दूसरी बात, जातिवाद का ही नारा क्यों लगा रहे हैं यार? कमला जी हमारी दादी जी के समान है, मेरे माँ बाप तक ने उन्होंने वोट दिया है, सींचा है, ऐसे जातिवाद आज ही क्यों आ रही है? मनीष चुनाव लड़ रहा अभी जातिवाद क्यों? कमला जी का साथ थे हमारे बाप दादा, वो तो हमारी दादी के समान है, माँ के समान है, आज भी हम उनके लिए जान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जातिवाद का यहाँ कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो सिर्फ अब की तो केवल इतना है जातिवाद को खत्म करके, और इस समय जो वोट दिया जा रहा है ना केवल मनीष के कार्यशैली को
और इसकी जीवन शैली भी है ना, लोग ये प्रभावित हो चुके हैं अब कि मनी सबकी जीतेगा जीतेगा 101% जीतेगा। तो थे भी जातिवाद ने खत्म करवा के लिए, बिल्कुल बिल्कुल जातिवाद खत्म करने के लिए। और आज देखो हम सब जैसे मान लो नए युवक हैं, मेरे साथी हैं, आज कहीं भी मजदूरी करके अपना काम कर लेते ना, आज सापरा की क्या दशा बिगाड़ रखी है इसने, एक जिला मांगने के लिए। जबकि गहलोत ने ये भी कहा है अगर मैं यदि 19 जिले दे चुका हूँ, यदि आलोक मेरे से जिला मांगता तो मैं 3 जिले बाद में दिए हैं, यदि इनको भी दे देता सापरा को भी जिला बना देता, मेरे को क्या परेशानी, 20 भी बना देता, 22 बन गए ना, एक और हो जाता 23 हो जाता, यदि ये मांगता तो सही ना। वहाँ पे आए थे जब 19 ही बनाए थे, उसके बाद में बनाए, उसमें उसके बाद 3 बनाए, 3 बनाए तो उनमें भी ये मांग सकता था। इसके सामने कहा ना था वहाँ अपने दांत आए थे उस टाइम, मुरलीपुरा दांत था वहीं पे, तो इसने तो टिकट मांगने का काम किया, बस मेरे को तो टिकट चाहिए, इसको तो इसका स्वार्थ उल्लू सीधा होना चाहिए। नहीं आई तो टिकट को फिर कहीं लफड़ो, यो टिकट भी मनीष यादव लिए, तो मनीष यादव ले आना चाहिए, तो जनता जनता को पूरी को भाव मनीष मनीष की तरफ था, यहाँ की जनता को देख करके मनीष को वोट टिकट दिया है, ऐसे थोड़ी मनीष को टिकट दे दिया है, नहीं तो मनीष जी तो कई बार हारे भी थे ना। देखो कई मामले ऐसे हुए कि जैसे यहाँ नारायण के पास गांव है, हणतपुरा के पास, तो एक रेखा समाज के छात्र छात्र की मतलब सुसाइड हुई थी, तो उसमें क्या है कि आलोक जी भी नहीं गए वहाँ, आलोक जी मुर्दाबाद के नारे भी लगे, जब उनके पड़ोसी गांव में ऐसी घटना घट गई तो उस पीड़ित परिवार को तो बंधाना चाहिए ना, हाँ तो वो नहीं बंधा पाए और उनके आलोक मुर्दाबाद के नारे भी लगे। लेकिन हमारी गलती पिछली बार ये रही कि हमने ऐसे आदमी को चुन लिया जो सापरा में भ्रष्टाचार का मेन गढ़ माना जाता है, तो इस बार हम चाहते हैं कि भाई मनीष यादव जी, कमला जी की बदौलत थी ये, इसको कि उनको वोट दिया हमने कि कांग्रेस पार्टी के कारण उनको वोट दिया और कमला जी के कारण वोट दिया, लेकिन इस बार हम उनको वोट दे करके पिछली बार विजय बनाया था उससे ज्यादा मतों से इस बार भाई मनीष यादव जी को भी विजय बनाएंगे और हमें विश्वास है और ये अच्छे मतों से जीत करके विधानसभा में जाएंगे और जातिवाद खत्म करेंगे। ये दलाली खत्म हो जानी चाहिए इसकी, दलाली दलाली से दुखी हो गए तो दलाली तो आका ही विश्वास भाई जी मान लो मनीष भी नहीं, मनीष जी के पास हमने देखा है वो तो हमारी जनता के हाथ में है, यदि मनीष जी भी दलाल खड़ी करेंगे 5 साल ही तो लगेंगे, 5 साल बाद में डाउन कर देंगे, अगर ऐसा लगेगा जैसे दलाल खड़ा कर देगा तो उसको भी डाउन कर देंगे, ये तो जनता का काम है, जनता ही चुनती है और जनता ही मनीष जी बन रही है आज, यदि जनता ही बन रही है, हाँ जनता ही बन रही है, जो यदि मनीष जी को तो एक कलम की ताकत देंगे, मनीष जी यदि कलम की ताकत को खुद करेंगे तो जरूर आगे आएंगे, नहीं तो फिर यही जनता है, जनता फिर माहौल पलट देगी, मजा कुल मिलार काम बढ़िया कर ला तो आगे वाला नहीं कोई मतलब नहीं, उससे मनीष को चेहरे को देख करके ही थोड़ी दे देंगे हम, उसके काम को देख करके हम वोट दिया है, उसके साथ लगे हैं उसके काम को देख करके। हाँ सर मनीष ही जीतेगा, उसने मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबको साथ लेकर चला है मनीष, कोरोना में उसने गरीब के घर घर पर राशन किट पहुंचाए हैं, लंपी बीमारी में उसने गौ माता की सहायता की है और हर पूरी सापरा विधानसभा में मतलब हर एक गांव में बड़े बुजुर्गों का उसने सम्मान किया है। और आप जातिवाद की जो बात कर रहे हो ना हीर यादव की, उसमें यह है कि अगर मनीष ही जातिवाद करते ना तो वो कभी भी जाटों को मतलब सहायता नहीं करते, और हम कमला जी की कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं, इस बार हम मनीष को हजारों वोटों से विजयी बनाएंगे। अच्छा हजारों हजारों से लाख के आसपास जाएगी नहीं काउंटिंग, अच्छा पूरा लाख आसपास, लाख के आसपास। देखो अब की बार जो ये चुनाव है ये वोट है, ये अब की बार ना पार्टी का चुनाव है ना किसी मनीष जी का चुनाव है, ये चुनाव अब की बार जो है ये पब्लिक का चुनाव है, पब्लिक का चुनाव है, पब्लिक अब की बार एमएलए जो चुन रही है वो एक सच्चा ईमानदार लोगों का साथ देने वाला एमएलए चुना जा रहा है, तो अब की बार खुद हर पब्लिक एक मनीष बनके अपना चुनाव खुद लड़ रही है। अच्छा सारा ही पब्लिक वाला मनीष बनका थे ही और थे ही था, बिल्कुल बिल्कुल, हर हर एक बच्चे के अंदर जो मनीष का जुनून होना चाहिए वो जुनून हर एक बच्चे में, हर एक बुजुर्ग में, हर एक लेडीज में और हर एक नौजवान के अंदर। जिस समय कोरोना चला, जिस समय लंपी वायरस चला, उस समय जब लोग अपने महलों में सो रहे थे, लोग जयपुर सो रहे हैं, उस समय एक भाई मनीष यादव ऐसे थे जो रात को रोड पे सड़कों पे रात के 12 बजे निकल के और लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को किट बांट रहे हैं, लंपी वायरस में गाय माता की जो सेवा कर रहे हैं वो किसी एमएलए ने किसी ने नहीं किया आज तक। और जो ये जो अपने चश्मे वाले जो ये विधायक जी हैं ना, जिनको इस चश्मे से जातिवाद नज़र जो आ रहा है, वो जातिवाद नजर बिना चश्मे से मनीष भाई ये सबका चश्मा उतार देंगे। जातिवाद कुछ भी नहीं है इस बार, 40% जाट मनीष जी के साथ है, खुला समर्थन है सबका, कोई जातिवाद नहीं है, चालीस प्रतिशत जाट मैं जाट हूँ और मैं मनीष जी को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, दादरवाल और पिछले 10 साल से मनीष जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, दादरवाल जो और पिछला 10 साल से लागू, हाँ पिछले 10 साल से मनीष जी को मैं समर्थन दे रहा हूँ अपना। देखो सापरा विधानसभा में अब एक नई दूसरी दीपावली और मनाई जाएगी, दूसरी दीपावली आ रही है
जिस प्रकार भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था, इस बार भाई मनीष का 14 वर्ष का वनवास पूरा हो रहा है और सापरावासी सापरा विधानसभा एक और दीपावली मनाने के लिए तैयार है। एक और 3 तारीख को फिर से दीपावली मनाई जाएगी सापरा विधानसभा। चलो मिलते हैं 4 तारीख को मिलते हैं। जरूर जरूर।